बीसीसीआई के अंदर यह बात चल रही है कि अगर इन केस पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है, वो कहता है कि हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ना ही इसे होस्ट करेंगे, इन केस वो हाइब्रिड पे आईसीसी फोर्स करता है, तो हो सकता है कि फरवरी में आपको, फरवरी या मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, इम्कानात है, सो बड़े इम्कानात हैं इधर से उधर। आपने ये नया सोचा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा, आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया। अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी। अगर सपोज भारत इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला लेता है और कहते हैं वो ममालिक अगर सपोज ये कह देते हैं कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन वी आर अनेबल टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तब मामला खराब हो जाएगा। अब ब्रॉडकास्टर ये सोच सकता है कि यार मेरी ऑडियंस इंडिया में है, फरवरी मार्च अगर मैं इंडिया में इसे करवाता हूं, भले पाकिस्तान ना हो, वो फिर भी सोचेगा कि तीसरे वेन्यू में बिना पाकिस्तान के अगर मुझे वैल्यू 100 की मिल रही है, इंडिया में पाकिस्तान के बिना मुझे वैल्यू 140 की मिलेगी। अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक। शोशा छोड़ दिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, बीसीसीआई सोच रहा है, और बीसीसीआई पहले ये तो सोचे आप चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया होस्ट करेगा। और खुदा का नाम लो यार, कितने झूठ बोलोगे बड़े आए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेके जाने वाले। नमस्कार दोस्तों, पीसीटी और पाक गवर्नमेंट की जो अकड़ है कि चैंपियनशिप भी हम पाकिस्तान में कराएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम इसे पुल आउट कर लेंगे, अगर ऐसी सूरत आई तो इसने आईसीसी पूरा का पूरा चैंपियनशिप उठाकर इसको भारत को दे देगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया कि हम चैंपियनशिप की पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो अब पहला रनर जो बन रहा है चैंपियनशिप करने का वो भारत बना है, तो पाकिस्तान से पुल आउट कर ले। तो इसमें आप अंदाजा लगा रहे कि इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि हमारा चैंपियनशिप छूट जाएगा तो इंडिया करा लेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते ही। पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट ही, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। तो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस हियर कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है। तो इंडिया इज नॉट कमिंग, आई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान कहेंगे हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, आपने फिर अगली कंट्री में थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक। इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है और अगर आप भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे अगर आप ले जाएंगे कहीं और, तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो चार दे रहे थे या छह दे रहे थे तो आप आठ दस ले लें। इज इट अ टैक्टिक? आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दे, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके वॉकआउट को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो,
नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्म में जाए पैसे बनते हैं या नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। जब एशिया कप हो रहा था तो यही मैंने भी यही इशू को फेस किया था जी जी। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए, पाकिस्तान आता नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी, अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और इंडिया की एस्टैब्लिशमेट राइट नाउ रेडी टू टॉक। चैंपियंस ट्रॉफी इस हवाले से गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ताहाल पीसीबी के खत का जवाब नहीं दिया। खत में पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया था कि भारतीय बोर्ड ना आने की ठोस वजूहत फराहम करे। इकबाल बेग साहब, क्या इस पर बात हो रही है, क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी या नहीं? खदशात के बादल तो मंडा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर, तो अब गेंद आईसीसी के कोर्ट पे। अब डेडलाइन जो है वो आखिरी जो है वो 20 नवंबर है। अगर इस दौरान 20 नवंबर तक अनाउंस नहीं हुआ शेड्यूल तो फिर यकीनी तौर पर मसाइल जो है वो पैदा होंगे। तो क्या कोई डिप्लोमेसी जो है वो कुछ काम कर सकती है? कुछ लोगों ने तजवीज दी कि साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी साहब से बात करें, लेकिन बजाय नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब या तो बात करेंगे, बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करें, और हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये हम होस्टिंग राइट्स हैं, हम मेजबान मुल्क हैं, तो हम क्यों किसी को रिक्वेस्ट करेंगे? तो अब आईसीसी का काम है ना। कोई ऐलान हो सकता है या कोई जवाब आ सकता है आईसीसी की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? आईसीसी भी एक मुश्किल से दो चार हो चुका है और उस पर इन्फ्लुएंस भारत का है, इन्फ्लुएंस तो भारत का है ना आईसीसी पर, पैसा भारत का है तो उसको बड़ा जोम है अपने इस पैसे पर। अगर सपोज भारत इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला लेता है और कहते हैं वो ममालिक अगर सपोज ये कह देते हैं कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन वी आर अनेबल टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तब मामला खराब हो जाएगा। इंडियन मीडिया पर यह खबरें चलना शुरू हो गई है कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। हैं तुसी, आप कब कहां से आ गए बीच में? आपने ये नया सोचा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आईसीसी का है, आपका सिर्फ ये काम है कि आपने जो बहाना इख्तियार करना है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, आपने उसका रिटर्न लेटर पाकिस्तान को देना है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब से मिलना शुरू हो गई है? आपको किसने फ्रंट रनर बना दिया है? आप कब से चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में आए हैं? ऐसे ही बस यूं ही कुछ भी कह दोगे तो वो चल जाएगा। शोशा छोड़ दिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, बीसीसीआई सोच रहा है, और बीसीसीआई पहले ये तो सोचे कि इस आईसीसी की जो गवर्निंग बॉडी के अंदर जो तमाम क्रिकेट बोर्ड का आपस में मिलकर एक आगे चलने का रास्ता था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रास्ता रोक के खड़ा है, उस रास्ते को कैसे खोलना है बीसीसीआई ने? बीसीसीआई इस तरफ सोचे, आप चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया होस्ट करेगा, और खुदा का नाम लो यार, कितने झूठ बोलोगे बड़े आए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेके जाने वाले। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, इम्कानात हैं, सो बड़े इम्कानात हैं इधर से उधर। सही तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, क्योंकि अगर तो हाइब्रिड पे का मौका आ जाए कि हाइब्रिड के अलावा कोई सूरत हाल नहीं है, सो आप हाइब्रिड मत मानिएगा, टूर्नामेंट से पुल आउट कर लीजिएगा, तो फिर पाकिस्तान पुल आउट कर रहा है। और अगर पुल आउट कर रहा है फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, या किसी भी पार्टिसिपेटिंग जो लीगर टीम्स है उनके मुल्कों में हो, तो फिर की फर्क पैदा है? इंडिया की गवर्नमेंट की तो 2008 से ही पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, सो पॉलिसी में कोई शिफ्ट थोड़ी आया तो शॉकर किस बात का है? वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब कोई शिफ्ट नहीं आया तो तुम्हारी बात को वैलिडेट कर देंगे। फिर 2021 में भी तो शिफ्ट नहीं आया था, फिर जुलाई 2023 में भी तो शिफ्ट नहीं था, फिर अक्टूबर 2024 में भी तो शिफ्ट नहीं था, फिर उसको भी मना किया जा सकता था जब ऑलरेडी ये बात पता थी। सो देन एंड देयर मुझे लगता है कि उसी वक्त अगर ये मना कर देते तो बिल्कुल, अब पता है क्या सिनेरियो हो गया? अब सिनेरियो ये हो गया, मेरे घर दावत है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने टेबल सेट कर दिया है, अब सिर्फ खाना परोसना रह गया है, और मेहमानों ने कहा सॉरी यार हम नहीं आ रहे, मजा नहीं बताएंगे तुम्हें, मगर आ नहीं रहे, तो मैं मुझे तो मेरा तो दिल टूटेगा ना, क्यों नहीं टूटेगा मेरा दिल? स्टार स्पोर्ट्स, आप सबको पता है डिज्नी का की प्रॉपर्टी था, उन्होंने 3,000 मिलियन यानी $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं आईसीसी के साइकिल में। आज अंबानी ने अक्वायर कर लिया यानी जियो ने अक्वायर कर लिया, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन आज एंट्री यूएस खेल के अंदर जो कि चौथा प्लेयर बन चुके हैं, और पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट करता है कि उनका भी, उनका ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा प्रेशर है आईसीसी के ऊपर। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर इन दिनों बहस गर्म है। मुद्दा है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच विवाद, जिसमें भारत ने पाकिस्तान दौरे से इनकार कर दिया है। एंकर और पैनलिस्ट इस पर अपनी अपनी राय रखते हुए भिड़ गए हैं। एक पैनलिस्ट ने आईसीसी पर बीसीसीआई के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया।
जिससे क्रिकेट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए।